चौधरी सूर्य प्रताप शाही जी आज हमारे साथ हैं। श्री जी आपका स्वागत है पंजाब कृषि में। क्या कहना चाहेंगे अभी सरकार के 100 दिन पूरे? देखिए, सरकार ने इन 100 दिनों में बहुत बेहतर और अच्छा प्रदर्शन किया है और उसकी बेहतर उपलब्धियां हैं। किसानों के लिए जो सीमांत और लघु किसान हैं उनके ऋण मोचन की योजना हम लोग लाए हैं, जिसके माध्यम से 36,359 करोड़ रुपए की पूरे किसानों के ऋण की जिम्मेदारी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कंधों के ऊपर ले ली है और जिससे 86 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है। बड़े पैमाने पर हम लोगों ने अब की बार गेहूं की खरीदारी कराया है। इस साल प्रदेश के भीतर 37 लाख मीट्रिक टन की गेहूँ की खरीदारी हुई है, जो अब तक का रिकॉर्ड है, और उसका भुगतान भी हमने समय से सभी किसानों को लगभग 6,000 करोड़ रुपए का उसका भुगतान कराया है। ये किसानों के हित में राज्य सरकार के द्वारा बहुत बड़ा उठाया हुआ कदम है। इसी प्रकार से गन्ना किसानों के अनेक वर्षों में भुगतान बकाया रहते थे, इस साल हमने 90% से ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके गन्ने की कीमतों का भुगतान कर चुकी है और सरकार आने के बाद 23,000 करोड़ रुपए से ऊपर का भुगतान 23,000 करोड़ रुपए अब तक भुगतान हुए हैं, जिसमें 8,500 करोड़ रुपए इस सरकार के आने के बाद हुए हैं। तो सरकार किसानों के प्रति अत्यंत ही संवेदनशील और जागरूक है, उनके समस्या का निराकरण करा रही है। इस समय सॉयल हेल्थ कार्ड पर हमने विशेष बल दिया है और हमारा ये प्रयत्न है कि जो फर्स्ट शेड्यूल था उसके बहुत बड़े पैमाने पर सैंपल की टेस्टिंग नहीं हुई थी, वो पेंडिंग पड़े हुए थे, उनको हम 31 अक्टूबर तक उसको पूरा कराएं और इस साल के अंत तक शेड्यूल 2 का जो सॉयल टेस्टिंग होनी है उसको भी हम पूरा करा दें। इसके लिए आगरा मंडल में 2 लैब और बनाए जा रहे हैं, एक फिरोजाबाद में बनाया जाएगा, एक मैनपुरी में बनाया जाएगा और फिरोजाबाद इस्टेब्लिश हो गया इस 100 दिन के भीतर। इस प्रकार से प्रदेश में 25 स्थानों पर हम लोगों ने 100 दिन के भीतर SSS प्रयोगशाला स्टैंडर्ड की प्रयोगशाला को हम लोगों ने लगा दिया, एक बहुत बड़ी ये कामयाबी है और 18 जनपदों के भीतर और हम लगाने वाले हैं, जो 15 अगस्त के पहले वो पूरा हो जाएंगे और उसके द्वारा टेस्टिंग करके हमारी कोशिश है कि इस साल के अंत तक उत्तर प्रदेश के हर किसान को जो है हम सॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करा सकें। सर, विभिन्न योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन क्या कारण है किसान अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं? कर्ज माफी को लेकर तमाम भ्रांतियाँ हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस तरीके की कोई समस्या नहीं है और मैं तो अपील करना चाहूँगा कि आत्महत्या निदान नहीं है किसी समस्या का। जब उत्तर प्रदेश की सरकार जागरूक है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सचेष्ट है, उनके ऊपर से वित्तीय बोझ अपने कंधों पर उठा लिया है, आगे हम उनको फसली ऋण देने की व्यवस्था कर रहे हैं, प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना के भीतर हम लोगों ने जो है किसानों को बीमित करने का काम शुरू कर दिया है, इस साल उस काम को और हम गति प्रदान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसान को हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। सर, आगरा में आलू की बेल्ट बड़ी लंबी है, आलू किसानों ने भी महापंचायत की थी, उन्हें सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है आलू का और तमाम योजनाएं लाने की बात की गई थी कि काफ़ी प्रयोग किए जाएंगे आलू को लेकर, क्या अभी तो सिर्फ 4 महीने हम लोगों के आए हुए हैं और प्रयोग करने के लिए हमारे पास अभी 4.5 साल से भी ज़्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन जो उनकी तात्कालिक समस्या है उस सब तात्कालिक समस्या से आज हम अवगत हुए हैं। हम लोग बैठ करके विचार करेंगे और विचार करके उनके समाधान के लिए हम निश्चित रूप से कोई हल निकालेंगे। भंडारण की भी सर समस्याएं आती हैं, किस तरह से दूर किया जा सकता है? इस समय भंडारण की कोई समस्या आलू के फील्ड में भंडारण की कोई समस्या नहीं है। 120 लाख मीट्रिक टन जो है शीतगृहों में आलू का इस वर्ष भंडारण हुआ, 155 लाख मीट्रिक टन करीब करीब उत्पादन हुआ है, तो भंडारण की समस्या नहीं है। अब समस्या उनके उठान की समस्या है, तो उठान की समस्या के समाधान के लिए हम लोग रास्ता निकालेंगे। धन्यवाद। जिस तरह से अभी मंत्री जी ने बताया कि जो भी समस्याएं हैं उनको जल्द ही दूर कर लिया जाएगा और जो भंडारण की कुछ कमी या परेशानी आ रही है उसे भी जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रजभूषण।